दोस्तों, वेलकम टू आवर शो खुशबू वाड़ी और मैं हूँ आपकी दोस्त खुशबू। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि लोग आपसे बात ना करना चाहते हों, आपसे दूर दूर रहते हों? ये सिर्फ एक वजह से होता है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं होता। और कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज और टोन का सही होना, क्योंकि कम्युनिकेशन का 93% पार्ट बॉडी लैंग्वेज और टोन ही होता है। तो अगर हम बॉडी लैंग्वेज और टोन पर फोकस करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन अपने आप बेटर हो जाएगा। तो आज हम ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिनसे आप अपना कम्युनिकेशन बेटर बना सकते हैं। मेरी आंखों में देखकर बात कीजिए। स्टेप वन, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जब आप किसी के साथ करते हैं तो आपकी सिंसियरिटी और इंटरेस्ट दोनों उसमें दिखता है, साथ ही आपके इमोशंस भी साफ साफ उसमें दिखते हैं। इसलिए आई कॉन्टैक्ट करने से आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी होता है। सॉफ्ट टोन, रिस्पेक्ट सब एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर टोन में रिस्पेक्ट हो तो कठिन से कठिन मैसेज भी आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा सामने वाले की टोन से धीमी टोन में बात करें, इससे आपका मैसेज तो क्लियर होगा ही, साथ ही सामने वाला आपकी बात सुनना पसंद भी करेगा। एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ध्यान से बात और भाव पे फोकस करेंगे तो आप सामने वाले को आसानी से समझ पाएंगे। क्या वो किसी बात से अनकंफर्टेबल तो नहीं है, उसके माइंड में और क्या चल रहा है, या वो किसी बात से परेशान तो नहीं है। ये सब बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप किसी को सुनना चाहेंगे। इसलिए हमेशा सामने वाले की सुने और कम्युनिकेशन को बेटर बनाएं, और हमेशा बॉडी को आगे केंद्रित करके बात करें। परमिशन, आपके बात कितने भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, आप सामने वाले से अगर परमिशन लेके बात करेंगे तो वो बात आपकी ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। क्या मैं बाद में आऊँ, आर यू बिजी, ये पूछ के देखिए, फिर देखिए आपका कम्युनिकेशन का जादू कैसे चलेगा। तो ये थे वो प्रैक्टिकल टिप्स जिनसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन को बेटर बना के अपना कम्युनिकेशन भी बेटर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये टिप्स आपके कितना काम आ रही हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।